क्या एपेक्स लेजेंड मोबाइल एमुलेटर में रन होगा कि नहीं, तो इसी सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने एपेक्स लेजेंड मोबाइल मेरे एमुलेटर में इंस्टॉल किया है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए 64 बिट वाला एमुलेटर। ज़्यादातर जो आप नया नया एमुलेटर अपने पीसी में इंस्टॉल करते हो वो होता है 32 बिट वाला वर्जन। तो आपको, अगर आपका भी 32 बिट वाला एमुलेटर है, तो उसको 64 बिट कैसे करना है वो सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा भी एमुलेटर 32 बिट वर्जन वाला है, तो इसको 64 बिट वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है एमुलेटर पे। और यहाँ पे आपको सर्च राइट साइड में जो है उस पर आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मल्टी इंस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे देखो ध्यान से, मल्टी इंस्टेंस मैनेजर। तो यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो, मेरे पास है 32 बिट वाला वर्जन, और नीचे देखो मैंने यहाँ पे नगट 64 बिट वाला वर्जन डाउनलोड किया है। तो इसे कैसे डाउनलोड करना है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में है इंस्टेंट, फिर इस पर यहाँ पे ध्यान से देखो इंस्टेंस पे क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे फ्रेश इंस्टेंस का टैब आया, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नगर 64 बिट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो, आपके पीसी के सिस्टम मतलब आपकी जैसे स्पेसिफिकेशन है पीसी की, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सेटिंग करनी है। और जो नीचे क्रिएट टैब है उस पर उसके बाद क्लिक करना है। जैसे ही आप इस क्रिएट पे क्लिक करोगे, 64 बिट वाला वर्जन यहाँ पे डाउनलोड होगा। ये लगभग 600 MB आपके इंटरनेट डेटा लगेगा इसको डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो सबसे पहले इस 32 बिट वाले वर्जन को मैं स्टॉप कर देता हूँ, और ये 64 बिट वाले को स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मेरा तो हो चुका है। यहाँ पे मैं सबसे पहले 32 बिट वाले वर्जन को क्लोज कर देता हूँ स्टॉप करके। और आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एपेक्स लीजेंड मोबाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि वहाँ से ही हम अपनी OBB फाइल को इस एमुलेटर में इंस्टॉल करने वाले हैं। आप मेरी कल की वीडियो देखो कि कैसे मैंने OBB फाइल मतलब इंस्टॉल किया है एपेक्स लीजेंड मोबाइल। तो यहाँ पे देखो, मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया है, और यहाँ पे देखो मैं OBB फोल्डर में आ चुका हूँ मोबाइल के। और यहाँ पे देखो, ये OBB फाइल है, इन फाइल को मैंने कंप्रेस टू जिप फाइल में एक कन्वर्ट करके रखा है यहाँ पे। उस जिप फाइल को लेंगे हम, और हमारे पीसी में कहीं भी एक फाइल में मैं यहाँ पे डाउनलोड में अपने डाउनलोड में पेस्ट कर रहा हूँ। तो डाउनलोड में पेस्ट होने के बाद हम हमारे एमुलेटर में इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसे आपको इंपोर्ट करना है, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करते जाओ। यहाँ पे देखो, ये हमारी फाइल, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है हमारी फाइल। और आपको आपके पीसी में जेड एचूअर को डाउनलोड करना है, जेड एचूअर फाइल मैनेजर को प्ले स्टोर से, जिससे जिसकी मदद से हम इस जेड जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, मैंने जेड एचूअर डाउनलोड करके रखा है। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट में डिवाइस मेमोरी पर जाना है, डिवाइस मेमोरी पर जाके DCIM पे जाना है, फिर शेयर फोल्डर पे जाना है। फिर यहाँ से इसको नीचे वाला जो थर्ड नंबर का एक्सट्रैक्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। फिर आपको जाना है डिवाइस मेमोरी पे फिर से, फिर आपको जाना है एंड्रॉयड डेटा, और यहाँ पे हमें एक नया फोल्डर बनाना है, OBB फोल्डर। आप ध्यान से देखो, डेटा में नहीं जाना, आपको डिवाइस मेमोरी में जाके ही एंड्रॉयड में जाके एक नया फोल्डर बनवाना है OBB नाम से। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक बार चेक करते हैं कि ये बना है कि नहीं एंड्रॉयड में गया मैं। और ये देखो, यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया है, इसमें इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ बिल्कुल ऐसे आपको इस OBB फाइल को। तो यहाँ पे देखो, मेरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है यहाँ पे फाइल। अब आपको इंस्टॉल करना है APK। तो जो आपने अपने मोबाइल में एपेक्स लेजेंड मोबाइल को इंस्टॉल किया होगा, उसका APK आपको अपने PC में इंस्टॉल मतलब उस APK फाइल को आपके PC में लेना है। तो ये देखो भाई, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, और जो APK फाइल है उसको मैं अपने PC में कट करके मतलब किसी भी एक फोल्डर में रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने मोबाइल में से फाइल ले ली APK फाइल, और यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर में ये फाइल रख देता हूँ पेस्ट करके। और हम अब फिर से एमुलेटर ओपन करेंगे।
और यहाँ पे देखो होम टैब के ही राइट साइड में आपको एपीके इंस्टॉल नाम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये देखो इंस्टॉल एपीके नाम का ऑप्शन है, और जिस फोल्डर में आपने वो फाइल रखी है एपीके की, तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई बिल्कुल हो चुका है आपका, पूरा सेटअप आपने कर लिया है अपने पीसी में इंस्टॉल एपेक्स लेजेंड मोबाइल। तो एक बार हम चेक करेंगे कि ओ बी पी फाइल से ठीक से हमारी सही जगह पे इंस्टॉल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारी ओ बी पी फाइल बिल्कुल सही तरीके से सेट है सब कुछ। अब बस हमको क्या करना है, वी पी एन लगाना है। यहाँ पे मैंने बिना वी पी एन लगाना है, मैंने भी लगाया है, वो सीन मैंने कट कर दिया। तो ये देखो भाई हमारा रन हो चुका है एपेक्स लेजेंड मोबाइल हमारे इमुलेटर पे। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ हमारा वीपीएन चालू है कि नहीं पीछे। यहाँ पे देखो ब्लूस्टैक वीपीएन है, यहाँ पे देखो वीपीएन मैंने लगाया हुआ है, आपको भी लगा के रखना है वीपीएन। मैंने वो सीन दिखाया नहीं, ये देखो मेरा। और आप लेफ्ट साइड में ऊपर देखोगे तो 64 बिट वाला ब्लू स्टैक का वर्जन है हमारा। यहाँ पे देखो ये 34 एमबी का डाउनलोड ले रहा है, और देखेंगे कि क्या ये वाकई में हमारे पीसी में रन होगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च के जब फोरम में है वहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि पीसी में पीसी के लिए भी लॉन्च हुआ है कि नहीं, पता नहीं अपने को। तो देखेंगे क्या होता है। अब मैंने बस इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाया वीडियो। हाँ, अगर जब ओरिजिनल ग्लोबली लॉन्च होगा एपेक्स लेजेंड मोबाइल, तो इमुलेटर से भी आ जाएगा वो। जब ग्लोबली एपेक्स लेजेंड मोबाइल लॉन्च होगा तब, लेकिन आज जो सॉफ्ट लॉन्च हुआ है उसको मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ अपने इमुलेटर पे, और देखेंगे क्या ये ओपन होता है कि नहीं। क्योंकि उन्होंने अपने फोरम में नहीं बताया था कि ये जो सॉफ्ट लॉन्च है वो एमुलेटर पे भी आप खेल पाओगे। तो इसी पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या वाकई में जो एपेक्स लेजेंड मोबाइल का सॉफ्ट लॉन्च है क्या उसे आप ओपन कर पाओगे कि नहीं अपने एमुलेटर पे। तो देखते हैं भाई क्या होता है आगे। तो यहाँ पे देखो ये रिसोर्स लोड हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ये लोड ज़्यादा टाइम लेता है, उसे 4 मिनट लिया गया। तो ये हो ही गया लगभग अपना, और आगे हमारा आंसर है क्या होता है देखते हैं। तो ये देखो गाइस, सॉरी वी हैव डिटेक्टेड दैट यू मे बी यूजिंग एन एमुलेटर डिवाइस एंड कैन नॉट प्ले यू अगेन। तो गाइस आपने देख लिया कि जो सॉफ्ट लॉन्च है उसे आप अपने एमुलेटर में इंस्टॉल तो कर पाओगे, लेकिन उसे ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल ये लॉक करके रखा है एमुलेटर के लिए एपेक्स लेजेंड मोबाइल। तो जिनको भी क्वेश्चन था कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल हम ये जो ऑफिशियली जो सॉफ्ट लॉन्च है उसे हम अपने एमुलेटर में खेल पाएंगे कि नहीं, तो देख लो गाइस आप नहीं इसे ओपन कर पाओगे फिलहाल तो। लेकिन जब ग्लोबली लॉन्च होगा ये गेम ओरिजिनली, तब ये गेम एमुलेटर के लिए भी आएगा, और तब आप बिल्कुल जैसी मैंने ये मेथड बताई है वैसे ही आपको इंस्टॉल करना है गेम। इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है कि कैसे आपको एमुलेटर पे एक 64 बिट वाला एपीके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो देख लो आप